अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? नवा हफ्ता, नवा निभार, ते सारी रवानगी इशार दो। हसबे मामूल तो अकूं राजधानी दी कहानी जड़ी है वो मैं सुनवेंदा होना कि इस्लामाबाद दे विच अज खास इवेंट क्या हो सके। सफ़र भी करेंदे हैं ते नाल तो अकूं दसेंदे भी हैं जो अज राजधानी दी कहानी क्या है। दोस्तों जिमें तुहानू पते, 26वीं आईनी तरमीम दे बाद पाकिस्तान दे नवें चीफ जस्टिस दा इंतखाब थी गया ते नवें चीफ जस्टिस ने हफ्ते वाले निभार हलफ भी चा किया। उन्होंने इंतजामी तौर उत्ते कुछ फैसले भी किए हैं। उन्होंने फैसलों के फैसलों पर अमल दरामद का वेला आ चुके। अज एक उन्होंने फैसला यह है कि उन्होंने नौ बेंच तश्कील दिते हैं जेडे अज तक केसों की समात करे सन। ते नाल ही एक यह फैसला हा फुल कोर्ट इजलास सदन का। फुल कोर्ट इजलास भी अज थी वे सी। एक कमेटी बनी गई सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के हवाले नाल। उन कमेटी ने बेंच तश्कील दिते हैं, वो काम भी पाया तकवील को पूजा। आज जड़ा है सूरत हाल तुहारे सामने है कि क्या थी दे फुल कोर्ट इजलास दे विच क्या फैसले थी दन, क्या चीज़ सामने आती है। सारा गाल ही सारे किस्से तो आपको दसे सू। सियासी जमातें विच भी हलचल है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात थी है वजीर आजम शहबाज शरीफ नाल। खबरें यह हैं कि इन दौरान उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जी है उन जो खामियां हैं जो कजा हैं उन्हें को दूर करने वास्ते 27वीं आईनी तरमीम घिनावन का फैसला किए। इं हवाले नाल अज मुस्लिम लीग नून ते पीपल्स पार्टी दी मुलाकात एक बड़ी बल थी होनी है। इन तो अलावा भी जड़ी अहम खबर है वह है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दी सियासी कमेटी का इजलास थे ते उन इजलास तो बाद जड़ा ऐलामिया जारी थे उन्दे विच ये आख्या गया जो पीटीआई बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान खास तौर पर जी पार्लीमानी कमेटी पर सी जजें की तैनाती वास्ते उनका हिस्सा बनने का ऐलान किए ते वो अपने बाज़ाबता नाम ही देने से। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मैंबरान से मुश्तमिल हो सी जिन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान दे नाल सुप्रीम कोर्ट दे 4 सीनियर जज दे नाल पाकिस्तान बार कौंसल दा नुमाइंदा, अटारनी जनरल पाकिस्तान, विफाकी वजीर कानून कमेटी दा हिस्सा उस दे नाल ही दू सैनेटर ते दू अराकीन कौमी असम्बली भी कमेटी च शामिल हो सकते। चार अराकीन असम्बली चो डू पार्लीमान की जड़ी अक्सरीती जमात उसी यानी कि हिजबे इकतदार डू मैंबर होंगे तो डू मैंबर हिजबे इख्तलाफ दे उसन ते एक मैंबर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब करे सी अकलीत चो या कोई भी खातून थी सकती है सिविल सोसाइटी की वह भी इन कमीशन का हिस्सा उसी। एक पी टी आई के नाँ अज आवे सन हुकूमत के नाम ही सामने आवन कि हुकूमत कौमी असम्बली चो सैनेट चो क्या को नामजद करें है। बजाहरी में लगते कि कौमी असम्बली चो अगर पीपल पार्टी का नुमाइंदा आया तो सैनेट चो नून लीग का नुमाइंदा वे सी, अगर
कौमी असैम्बली चो नून लीग का नुमाइंदा आया तो सैनेट च कोई पार्टी का इवें रद्दोबदल नहीं सीधे देखना यह है कि जेडे अपोजिशन के मैंबरान का चुनाव थी हमने डू का वो आया डू है पी टी आई दे होसन या उन्हें विच जे यू आई फे या भी है जेड़ा अपोजिशन इतिहाद शामिल जमात है उन्होंने भी नुमाइंदगी दी हुई थी। ये फैसला भी अपोजिशन ने करने अपोजिशन इतिहाद अपनी हिकमत अमली बना के कोई ना देसी ना जो ही सामने आ सन वो भी तुम्हारे साझे करे सुन ये तो है जुडिशल कमीशन के हवाले नाल खबर जी अपडेटिंग खबर है इन्हें पेशरफ झुंझू थी सी खबर सिंधियासू भी जी अहम खबर आई है वह आई है बानी चेयरमैन पी टी जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले नाल ये पहले खबर हैं कि अमरीका दे 60 कानून साजें सदर जो बाइडन को खत लिखा हा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले नाल इवें बरतानिया के भी पार्लियामान के नुमाइंदगान ने खत लिख दिते उन्होंने भी मुतालबा किए कि बानी चेयरमैन पी टी आई इमरान खान साहब को रिहा किया वजे ये मामला कितना वेंदे कितना असी ये भी तो अपडेट करे सो कौमी असैम्बली का इजलास भी हो सी अज ते नाल नाल सैनेट के नाल बाकी जो भी सियासी खबर हो सन राजधानी दया वो तो मैं साझा करे सवेर नाल यो कुछ बाकी वापसी ते जो भी अपडेट हो सी जे वो जो भी पेशरफ हो सी उन्हें बारे जी तो मैं जरूर आगाह करे सां पहुंचाए हैं मरी रोड ते क्लब रोड भी आते नहीं अगले व्लॉग तक मैं कुछ इजाजत एक कम तुसा लाजमी करने कि मेरे इन व्लॉग को तुसा लाइक भी करने शेयर भी करने के नाल जेड़ा मेरा यूट्यूब चैनल है एक तुसा लाजमी सब्सक्राइब करने के नाल कमेंट भी किया करो फायदा इंदा ये थी कि ये पंद करें दे बिने लोगों तक पहुँचते हैं तुसा इंदे तो कमेंट करें दे एक लाइक करें दे हो तो बिना लोगों को भी खबर पौंदी है कि कोई शय नवी ही चैनल ते आ गई है। मेहरबानी करे सो शेयर करे सो लाइक करे सो कमेंट करे सो शाम को वल हाजिर थी सा उमले तक मैं कोई जाता नहीं हूँ रब सोने दे हवाले।